बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हम जो है राउंड ऑफ को स्टडी कर रहे हैं। राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ को करते किस तरीके और क्या टेक्निक्स इसके लिए यूज की जाती हैं। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद अगर कोई लास्ट करे जिसको राउंड ऑफ आपने करना है, उससे बाद वाली वैल्यू 5 या उससे बड़ी हो तो उससे पहले वाली वैल्यू में एक नंबर पर इजाफा करके उसके बाद वाली वैल्यूज को हम खत्म कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, राउंड ऑफ कहलाता है। जैसे मैं एक नंबर देखता हूँ 5.6007, अब मैंने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद है, प्लेस के बाद 3 डेसिमल प्लेस है, पहली डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसकी डेसिमल प्लेस कहलाती है, ये दूसरी डेसिमल प्लेस है और ये तीसरी डेसिमल प्लेस है। 3 डेसिमल प्लेस के बाद मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। 3 डेसिमल प्लेस के बाद अगर नंबर जो लिखा हुआ है वो 5 या उससे बड़ा हो जाए, 5 या उससे बड़ा हो जाए, तो आप क्या करते हैं, उससे पहले वाले नंबर में एक डिजिट का इजाफा कर देते हैं और वो नंबर जो है उसको खत्म कर देते हैं। क्या कहलाता है, राउंड ऑफ फिगर्स कहलाता है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेस पे आपने नंबर को राउंड ऑफ कर देना है। अब क्या है, पहला नंबर है 3.4578, हमारा 8 से कोई मतलब नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस, D.P स्टैंड फॉर डेसिमल प्लेस, क्या है, डीपी स्टैंड करता है यहाँ पे डेसिमल प्लेस, मतलब डिजिट नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है, किससे, 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा होता तो हम उससे पहले के सारे नंबर्स को लेफ्ट कर देते और जो है उस नंबर को एज इट इज लिख देते। अब 7 जो है क्या है, 5 या 5 से बड़ा नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 5, 7 ग्रेटर देन 5, सो वी इंक्रीज 1 to 5, हम क्या करेंगे 5 में एक नंबर का इजाफा कर देंगे। मिसाल के तौर पे कैसे, 3.4578 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.46, 7 खत्म कर दिया, 5 के अंदर एक डिजिट का इजाफा कर दिया। अब पार्ट 2 पे आते हैं, कितने डेसिमल प्लेस पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, 2 डेसिमल प्लेस पे, 2 डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है, क्या है, लेस देन 5 है, यहाँ पे आप लेस देन 5 भी लिख सकते हैं और ये सिंबल भी आप लगा सकते हैं, द डिजिट नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेस इज 1, लेस देन 5, सो वी लीव डिजिट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। तो हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह उस नंबर को लिख देते हैं, डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर है उसको हम छोड़ देते हैं, उससे पहले वाले नंबर में इजाफा नहीं करते, इजाफा उस सूरत में करते हैं जब डिजिट 5 हो या उससे बड़ा हो। इसी तरह पार्ट 3 पे आ जाते हैं 0.0738, अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर आ रहा है वो 3 है, 5 से छोटा है, तो ये सारे के सारे नंबर छोड़ देंगे, 0.07 इसके इक्वल आ जाएगा। The digit next to 2 decimal place is 3 less than 5, so we leave का मतलब है छोड़ देना, digit after 2 decimal place, 2 decimal place के बाद हम नंबर छोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 0.07, अगर यहाँ पे 0.075 या 6 होता तो इस digit में एक नंबर का हम इजाफा कर देते। पार्ट 4 पे आ जाएंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5 आपका होमवर्क है। पार्ट 4 में जो 2 decimal place के बाद digit है वो 5 से छोटा है, तो आप 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट्स है उनको छोड़ के बाकी आप लिख देंगे। पार्ट 5 में 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो नेक्स्ट नंबर जो है उस पे 1 का इजाफा करेंगे, ये 10 हो जाएगा, इसका 0 इम्पोज होगा नेक्स्ट नंबर पे, फिर आप एक नंबर का इजाफा कर देंगे। इसको मैं बता देता हूँ, है आपका होमवर्क 8.89789, हमने क्या है 2 डेसिमल प्लेस के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 7, 5 से बड़ा है, तो अगले डिजिट में एक नंबर का इजाफा कर देंगे, 9 में एक नंबर का इजाफा कर देंगे, 10, 0 इंपोज होगा, 1 कैरी 9, 8.90 ये बन जाएगा इसका। बाकी सारा सॉल्यूशन आपने
खुद करना। क्वेश्चन नंबर टू पे आपसे राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच डेसिमल प्लेस 10 फॉर डेसिमल पॉइंट। ये सारे का सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क के सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं करना कैसे। पार्ट 1 टू डेसिमल प्लेस पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है। टू डेसिमल प्लेस के बाद अगर नंबर 5 या उससे बड़ा है तो उससे पहले की वैल्यू में एक नंबर का इजाफा कर देंगे। उसके बाद पार्ट 2 है 9.7818 क्या है 1 डेसिमल प्लेस के बाद इसको राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल प्लेस कहां पे आ रहा है 7 पे आ रहा है इसके बाद राउंड ऑफ करना है। अगर नंबर 5 या उससे बड़ा है तो इससे पहले वाले डिजिट में एक नंबर का इजाफा कर देंगे। अगर 5 से छोटा है तो क्या कर देंगे इससे बाद वाले सारे के सारे डिजिट 7 के बाद वाले सारे डिजिट उनको छोड़ देंगे और 7 एज इट इज लिखना चाहिए। पार्ट 3 में 4 डेसिमल प्लेस पे जो है आपने राउंड ऑफ करना है 1 2 3 4। 4 डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर है उसको देखने क्या है अगर वो 5 से छोटा है तो फिर तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद के नंबर्स को आप लीव कर देंगे। अगर 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो उससे पहले वाले डिजिट के अंदर एक नंबर का इजाफा कर देंगे। इसी तरह पार्ट 4 है 3 डेसिमल प्लेस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में राउंड ऑफ को मैं फर्स्ट बार दोबारा रिस्ट्रेट कर देता हूं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि इसकी टेक्निक के पॉइंट के बाद जिस नंबर जिस प्लेस पे आपने राउंड ऑफ करना है उस प्लेस के अगले डिजिट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में एक नंबर का इजाफा कर देते हैं। अगर वो 5 से छोटा है तो जो डेसिमल प्लेस है उसके बाद तमाम के तमाम डिजिट्स को हम खत्म करके उस डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को लिख देते हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।